हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 8 स्टैंडर्ड। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। इन लास्ट वीडियो आई टॉट टू यू थर्ड नंबर चैप्टर एडिशन, बट सम पॉइंट्स इज रिमेनिंग। सो टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, मीन्स नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसमें हमें एडिशन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है और वो किस तरह से है वो हमें सीखना है। तो चलो सबसे पहले देखते हम फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है। देखो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मीन्स एडिशन करते समय हमें किस तरह से वो नंबर्स की अरेंजमेंट करनी है और ऑर्डर हम किस तरह से भी लेंगे तो उसका सम जो है वो डिफरेंट नहीं आएगा। किस तरह से, देखो यहाँ पे दिया एक्सप्लेनेशन के साथ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए। देखो, देयर आर टू स्टूडेंट्स जंपिंग रोप, देन फोर स्टूडेंट्स ज्वाइन देम। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर जंपिंग रोप इन ऑल। यहाँ पे क्या दिया है, दो बच्चे क्या कर रहे हैं, जंपिंग रोप मीन्स दोरी वर्चा उड़िया वो खेल रहे हैं, और उसमें फोर जो बच्चे हैं वो उन्होंने ज्वाइन कर दिया, मीन्स वो खेलने के लिए तैयार हो गए। तो टोटल कितने बच्चे जो है वो जंपिंग रोप खेल रहे हैं। यहाँ पे हमें फर्स्टली टू थे इसलिए हमने टू, और बाद में फोर ऐड हुए इसलिए फोर, मीन्स टू प्लस फोर इज इक्वल सिक्स। तो इसका सम जो है वो क्या है, सिक्स है। उसी तरह से नंबर्स वही है, लेकिन यहाँ पे देखो सीक्वेंस अलग दिया है, ऑर्डर अलग दी है। इफ फोर स्टूडेंट्स आर जंपिंग रोप एंड टू स्टूडेंट्स ज्वाइन देम, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर जंपिंग रोप इन ऑल। यहाँ पे फर्स्ट फोर बच्चे जो है वो जंपिंग रोप खेल रहे थे और उसमें उसने टू बच्चे बाद में ज्वाइन हो गए हैं। यहाँ पे फोर पहले है और बाद में टू बाद में है, तो फोर प्लस टू इज इक्वल सिक्स। ऊपर था टू प्लस फोर इज इक्वल सिक्स, जो नंबर है वो सेम है लेकिन फर्स्ट का नंबर है नीचे सेकंड में आया है, तो यहाँ पे ओनली सीक्वेंस चेंज हुआ है लेकिन उसकी सम चेंज नहीं हुई है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम, दिस इज नोन एज द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ऑर्डर हमने किसी भी नंबर्स की चेंज की लेकिन उसका सम जो है वो नहीं चेंज होता, ये उसकी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो आगे बढ़ते हम, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी कौन सी है, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है देखो द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हमने पहले से मीन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं कि ग्रुपिंग एडिशन हमें किस तरह से करनी है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हम उसके साथ ही एक्सप्लेनेशन करते हैं। अमन कॉच 5 फिश, रवि कॉच 2 फिश एंड अंकुर कॉच 6 फिश, हाउ मेनी फिश डिड दे कॉच अल्टूगेदर। मीन्स अमन ने 5 फिश पकड़ लिए थे, रवि ने 2 फिश पकड़ लिए थे और अंकुर ने 6 फिश पकड़ लिए, तो टोटल मिलके कितने उन्होंने एक साथ पकड़े। तो यहाँ पे देखो आंसर है, फर्स्ट 5 कहा गया है, बाद में 2 और बाद में 6, तो हमें 5 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल क्या आ जाएगा इसका आंसर, आप काउंट कर सकते हैं, इसका आंसर है 13, इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें सीखना है, तो यू विल हैव टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स इन 2 स्टेप्स बिकॉज यू कैन ऐड ओनली 2 नंबर्स एट द टाइम। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं तो हमें फर्स्ट में 2 नंबर्स ऐड करने, मीन्स फर्स्ट के 2 नंबर ले सकते हैं या लास्ट के 2 नंबर भी ले सकते हैं। वन वे टू ऐड इज टू बिगेन द एट द टॉप ऐड द फर्स्ट 2 नंबर्स एंड देन ऐड देयर सम टू द लास्ट नंबर्स। और फर्स्ट हम स्टार्टिंग के 2 नंबर्स पे ले सकते हैं और लास्ट के 2 नंबर्स भी ले सकते हैं, कौन से भी ले सकते हैं। अनदर वे टू ऐड इज टू बिंग ऐट द बॉटम ऐट द लास्ट 2 नंबर्स एंड देन ऐड देयर सम टू द फर्स्ट नंबर। मीन्स क्या है, यहाँ पे हमने फर्स्ट टॉप के 2 नंबर्स लिए तो 5 प्लस 2 इज इक्वल 7 हो जाएगा, और उसमें हमें लास्ट जो है वो रिमेनिंग 6 उसमें ऐड कर दिया तो उसका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 6 इज इक्वल 13। नहीं तो हमने बॉटम के लास्ट 2 नंबर्स लिए तो 6 प्लस 2 इज इक्वल 8 आ जाएगा, और रिमेनिंग 5 है तो 5 प्लस 8 इज इक्वल 13। मीन्स यहाँ की प्रॉपर्टी कौन सी है, वाइल एडिंग 3 नंबर्स आइदर द फर्स्ट 2 और द लास्ट 2 नंबर्स मे बी ग्रुप्ड, ग्रुपिंग द एडेंस इन मेनी मैनर डज नॉट चेंज द सम।
दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. मीन्स हमने फर्स्ट के दो नंबर लिए और उसमें लास्ट का नंबर ऐड किया तो वही सम आ जाता है, नहीं तो लास्ट के दो नंबर ऐड करके फर्स्ट का रिमेनिंग जो नंबर है उसमें ऐड किया तो वही सम आ जाएगा. मीन्स कौन से भी आप ऑर्डर में एडिशन कर सकते हैं, उसका सेम जो है वो चेंज नहीं होता, वही रहता है. तो ये होता है प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. लास्ट हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, देखते हैं चलो कौन सी है. लास्ट नंबर की प्रॉपर्टी है जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. मीन्स जीरो का यहाँ पे हमें वैल्यू देखना है, कौन सी भी चीज़ में जीरो ऐड कर दिया तो उसका जो आंसर है वो वही चीज़ मीन्स वही नंबर आ जाएगी. द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज द नंबर इट सेल्फ, दिस इज नोन एज अ जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. मीन्स कौन से भी नंबर में जीरो ऐड कर दिया तो आंसर वही नंबर आ जाएगा. यहाँ पे देख सकते हैं आप थ्री, यहाँ पे ऑरेंजेस लिए गए हैं और वहाँ पे जीरो मीन्स कुछ भी ऑरेंजेस ऐड नहीं किए तो उसका आंसर है थ्री. मीन्स जीरो यहाँ पे जीरो की वैल्यू जीरो है, मीन्स यहाँ का कोई भी नंबर ऐड नहीं हो सकता, जीरो है. अगर वहाँ पे भी यहाँ पे टू नंबर्स है, थ्री प्लस जीरो है, उस तरह से थ्री नंबर्स भी आ सकते हैं, सिक्स प्लस जीरो प्लस थ्री तो उसका एडिशन हो जाएगा नाइन, क्योंकि सिक्स में जीरो ऐड कर दिया तो आंसर आ जाता है सिक्स और सिक्स में थ्री ऐड कर दिया तो उसका आंसर आ जाता है नाइन. तो यहाँ पे हमने सीखा है जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इस तरह से हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सीखा है द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इस तरह से हमने एडिशन की थ्री प्रॉपर्टीज सीखे हैं. तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इजी है, आपको ये वीडियो बार बार देखना है और समझ के लेना है. इसकी जो सेल्फ प्रैक्टिस 3C में सेकंड नंबर और का जो क्वेश्चन है वो आपको HW में कंप्लीट करना है और फर्स्ट नंबर का है वो टेस्ट में कंप्लीट करना है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी. थैंक यू.